Good morning, children. Now we will learn about the rest of our engines. जिसमें अगला क्या है, हमने न तक खत्म कर दिया है. सो न के बाद कौन से अक्षर आते हैं? प, प से पत्ता, फ, फ से फल, ब, ब से बतख, भ से भिंडी, म से मछली. ठीक है, प से पत्ता, फ से फल, ब से बतख, भ से भिंडी, म से मछली. कैसे लिखेंगे? प आपको यू जैसे लिखे, स्टैंडिंग लाइन डालना है और स्लीपिंग लाइन प बनना. इसी को आप दोबारा करना है और फिर ऐसे वापस आनी, ये बनेगी फ. ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक लेफ्ट साइड से कर्व लेके एक स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ये बनी ब, बतख का अलग ब. यहाँ पर छोटा सा सर्कल बनाना है, नीचे आना है और फिर यहाँ पर घुमाना है, फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन. ठीक है, ये बनी भ. मछली के लिए विदाउट ये छोटी सर्कल के बिना हमें लिखना है, ये बनी म, मछली का म. ठीक है, ये आपको जब आप लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी. डॉक्टर पेजेस जो हमारी बुक में है इसके साथ आप सीख जाओगे. ठीक है, अभी चित्र को हम इसमें से और बहुत सारे चित्र हैं उसको सीखेंगे. ठीक है, देखें बुक को क्लियरफुली देखें. प से पक्षी, प से पतंग, प से पत्ता, प से पांच, देखो पांच लिखा हुआ है गिनती में, प से पिंजरा, प से पपीता, प से पलंग. ठीक है, और ये एक्टिविटी आप जब करोगे मैं समझा दूंगी. ठीक है, ये फ. फ से फल, फ से फव्वारा, फ से फसल, फ से फूल, फ से फाफड़ा. ठीक है, रीडिंग करते वक्त ऐसे ही रीड करना है, उंगली रख के आपको रीड करना है. ब से बस, ब से बकरी, ब से बर्तन, ब से बिल्ली, ब से बटन, ब से बाल्टी, ब से बारिश. ठीक है, अभी भ. भ से भारत, भ से भालू, भ से बेड, ब से भिंडी, भ से भवन, भ से भुट्टा. खाते हो ना भुट्टे? अगला लास्ट में क्या है, कौन सा अक्षर है उस वाले लाइन में? म. म से मोर, म से मछली, म से मोमबत्ती, म से मटर, म से मिठाई, म से मक्खी, म से मच्छर. फिर हमारी एक पेज होगी जिसमें आपको ये सारे लिखने हैं, ये सब जिस दिन मैं बोलूँगी वो करना है. आज आपने ये वाला काम, कल आपने ये वाला काम किया होगा, है ना? वेरी गुड. तो आपने ये पिक्चर रीडिंग भी रोज करनी है, तभी आपको पिक्चर याद रहेगी, जब मैं पूछूंगी आप बोल पाएंगे. ठीक है, और ये सब लिखने के लिए भी डॉटेड लाइंस में लिखना है, फिर कॉपी में जिस दिन मैं बोलूँगी उस दिन आपको कॉपी में भी करना है. अभी बच्चे आपको कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम क्या है, मधुमक्खी और कबूतर. मधुमक्खी क्या होती है? हनी बी. और कबूतर डव. ठीक है, ये आपने सुना हुआ है कहीं, सुना है? ठीक है, मैं सुनाती हूँ आपको, ध्यान से सुनो. एक मधुमक्खी थी. क्या थी? एक बी, हनी बी थी. एक बार वह उड़ती हुई तालाब के ऊपर से जा रही थी. तालाब क्या होता है? स्मॉल पॉन्ड है, रनिंग पॉन्ड है, स्ट्रीम. ओके, उसमें से, उसके ऊपर से वो उड़ रही थी, छोटी सी एक हनी. अचानक वह तालाब के पानी में गिर गई, वो हवा के झोंके से वो पानी में गिर गई. उसके पंख गीले हो गए. पंख क्या हो गया? गीला हो गया. गीला हो गया तो क्या होगा? उससे उड़ने के लिए मुश्किल हो, उसके लिए उड़ना मुश्किल हो जाएगी. अब वह उड़ नहीं सकती थी, उसकी मृत्यु निश्चिंत थी. इसका मतलब है कि वो डूब जाएगी ना, उड़ नहीं पाएगी तो पानी में रहेगी तो वो डूब जाएगी, उसको तो स्विमिंग नहीं आती है ना, तैरना. तालाब के पास पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था.
तालाब के पास क्या था, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ था, कबूतर। तो कबूतर, उसने मधुमक्खी को पानी में डूबते हुए देखा। किसने देखा? कबूतर ने, वहाँ पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था तो उसने देखा कि मधुमक्खी पानी में डूबते हुए देखा उसने। कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। कबूतर क्या किया, एक पत्ता तोड़ा, कहाँ से, पेड़ से। उसे अपनी चोंच में उठाकर तालाब में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। वो क्या किया, चोंच में अपना वो पत्ता ले लिया और उड़कर मधुमक्खी के पास जाके गिरा दिया। क्या गिरा दिया, पत्ता। धीरे धीरे मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। वो पत्ता मधुमक्खी के पास गिरा हुआ था तो उसको समझ आई कि उसके ऊपर चढ़ जाएगी तो थोड़ा डूबने से बच जाएगी, तो वो पत्ते के ऊपर बैठ गई। थोड़ी देर में उसका पंख सूख गया। उस पत्ते में रहने से क्या हो गया, उसका पंख सूख गया और वो फिर से उड़ने की हालत थी। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। उसने क्या किया, जब किसी ने आपको हेल्प किया तो क्या करेंगे, थैंक यू बोलोगे ना, धन्यवाद। तो कबूतर को क्या उसने बोला, धन्यवाद। धन्यवाद किसने बोला, मधुमक्खी। क्यों, उसकी जान बचाई। कैसे बचाई, पत्ते उसके, एक पत्ता उसके पास में फेंका तो उसके ऊपर बैठ के वो अपने पंख सुखा के वो उड़ने की लाइन में। फिर वह उड़कर दूर चली गई। कहाँ चली गई, दूर। कौन, हमारी मधुमक्खी। कुछ दिनों के बाद कबूतर पर एक संकट आया। प्रॉब्लम्स हर लोगों को मिलती है। तो वैसे एक दिन कबूतर की दिन थी कि जिस दिन उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और क्या होता है हम देखते हैं। वह एक पेड़ की डाली पर आँख मूंद कर सो रहा था। कबूतर क्या कर रहा था, आँख बंद करके थोड़ा सो रहा था। तभी एक लड़के ने अपनी गुलाल से उस पर निशाना लगाया। गुलाल मालूम है ना, ऐसे होती है तो उसमें ऐसे खींच के मारते हैं तो जो भी, जिसको भी निशाना लगती है, दर्द होती है, गिर जाते हैं, छोटा पक्षी है तो वो मर भी जाता है। तो ये कबूतर के ऊपर उसने निशाना लगाया। कौन, एक लड़का। कबूतर इस कतरे से अनजान था। वो सो रहा तो उसको पता भी नहीं चला कि ये लड़का अपने गुलेल से उसको मारने की निशान लगा रहा। मगर मधुमक्खी ने लड़के को निशाने साधते हुए देख लिया था। क्या हुआ, मधुमक्खी ने, मधुमक्खी कौन, उस दिन उसने उसको बचाया था ना कबूतर, वो मधुमक्खी इस लड़के को ऐसे निशाना साधते हुए देखा। मधुमक्खी उड़कर लड़के के पास पहुंची। उसने लड़के के हाथ में डस लिया। क्या किया, डस लिया। डसने से क्या होता है, अच्छा लगता है, नहीं ना, छींक। लड़के के हाथ से गुलाल गिर पड़ी। दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगा। क्या हुआ, लड़के के हाथ में जब मधुमक्खी डसा तो उसको दर्द होने लगी, तो वो अपना गुलेल को नीचे गिरा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लड़के की चीख सुनकर कबूतर जाग गया। इसकी चिल्लाने की वजह से क्या हुआ, कबूतर अपने नींद से उठ गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए मधुमक्खी को धन्यवाद दिया। उसको समझ आ गई कि वो उस लड़के ने उसको मारने की कोशिश की और मधुमक्खी उसे बचा लिया, तो वो मधुमक्खी को धन्यवाद दिया और मज़े से उड़ गया और कबूतर वहाँ से उड़ गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं दूसरों की मदद करते हैं। वैसे जब आप अच्छे काम करते हो दूसरे भी आपके लिए अच्छे काम सोचते हैं, है ना। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। तो आप अच्छे बच्चे हो तो दूसरों को मदद कर रहे हैं। और इस कहानी में कौन कौन है, मधुमक्खी, कबूतर और एक और, हाँ, लड़का। कौन गिरता पानी में, मधुमक्खी। उसे कौन बचाता है उस टाइम, कबूतर। कबूतर के ऊपर संकट आती है किस वजह से, क्योंकि कौन साध रहा था निशाना, लड़का, किससे, गुलेल से। उसको कबूतर को बचाने के लिए कौन गया, मधुमक्खी। मधुमक्खी ने क्या किया, लड़के के हाथ में डस लिया, ठीक है, और
कहानी खत्म। आपको अच्छी लगी? आप अच्छे अच्छे काम करेंगे ताकि आपको भी हेल्प मिले दूसरों से। ओके, तो कहानी का नाम था मधुमक्खी और कबूतर। याद रखना, और आपको ये याद भी करनी है ताकि आपकी जब आपकी मैम पूछेंगी आपको ये स्टोरी नरेट करनी है।